आपका स्टमक अपसेट हो सकता है. यू कैन ईवर गेट डायरिया और यू कैन गेट कॉन्स्टिपेशन. हमारे पास हेल्थ सेंटर में बहुत खातीन आती हैं जो कंप्लेन करती है कि हमने फैट डाइट ट्राई की और अब उनके बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए हैं. आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूं वो है आप लोग. उम्मीद है कि अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है 5 reasons why fat diet is bad for health. नंबर 1 reason, इट माइट बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. कैसे? आप नॉर्मल खा रहे थे, अब आपने फैट डाइट स्टार्ट की, यानी कि आपने बहुत कम कैलोरीज लेनी शुरू की है. हो सकता है कि आपको इसका फायदा हो, लाइक आपका वेट तेजी से लूज हो, बट देयर आर बिग चांसेस कि जब आप नॉर्मल वापस खाना शुरू करेंगे, आपका वजन जो तेजी से नीचे गया था वो उतनी ही तेजी से वापस. मसला, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है. हो सकता है कि जब आपने डाइटिंग स्टार्ट की है, स्पेशली विमेन, उनमें ये बहुत कॉमन होता है कि उनको रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी. उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. थर्ड रीजन, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है. यू कैन ईवर गेट डायरिया और यू कैन गेट कॉन्स्टिपेशन, यानी दोनों एक्सट्रीम्स. आपकी बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी. नंबर 4, हेयर फॉल. हमारे पास हेल्थ सेंटर में बहुत खातीन आती हैं जो कंप्लेन करती है कि हमने फैट डाइट ट्राई की और अब उनके बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए. वेल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बिल्कुल इट्स वेरी कॉमन कि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम. नंबर 5, आपकी स्किन बहुत लूज हो सकती है. स्किन ढलक सकती है. अगर बहुत तेजी से वजन गिरता है तो स्किन को इतना टाइम नहीं मिलता कि उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो या टाइट हो. स्किन बहुत ज्यादा ढलक सकती है अगर आपने बहुत ज्यादा वजन बहुत कम अरसे में कम. और उसके बाद उसको टाइट करने के लिए कोई हल नहीं होता. समटाइम्स इवन सर्जरी की नौबत आ जाती है. सो माय टुडेज मैसेज इज, गो स्लो, बी पेशेंट. वजन कम करें लेकिन जल्दी मत करें. नॉर्मल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक वीक में हाफ के जी या 1 kg तक यूज करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल बात है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये ही करना चाहिए. इससे ज्यादा का एम कोशिश करें कि ना रखें. और स्पेशली फैट डाइट्स, उनको तो बहुत सोच समझ के ट्राई करें. कहीं आपको बहुत नुकसान ना उठाना पड़े. और अपना बहुत ख्याल रखें.